महा कार्टून टीवी। भूतनी की कसम। किसी जंगल में भूत और भूतनी रहते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन भूत बार बार भूतनी की कसम खाया करता था, जो कि भूतनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन भूत और भूतनी जंगल में घूम रहे थे। अचानक भूत को कोई इंसान दिखाई दिया और वो बोला, अरे वो देखो, वहाँ कोई इंसान है, चलो उसे डराते हैं। हम इंसानों को क्यों डराएं? आखिर इंसानों को डराने से हमें क्या मिलेगा? वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि अचानक वो इंसान उनकी आंखों से ओझल हो गया। जब भूतनी को वहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई दिया तो वो बोली, अरे यहाँ तो कोई इंसान नहीं है। तुम्हारी कसम, मैंने यहाँ एक इंसान देखा था। देखो तुम फिर मेरी कसम खा रहे हो। तुमसे 100 बार बोला है ना कि तुम मेरी कसम मत खाया करो। अरे तो मैंने तुम्हारी कसम झूठी नहीं खाई। अरे झूठी हो या सच्ची, कसम खाते ही क्यों? इस बात पर दोनों की लड़ाई हो गई। इस तरह उन दोनों की दिन में 10 बार लड़ाई हो जाया करती थी। लेकिन भूत अपनी आदत से मजबूर था। वो ना तो भूतनी को छोड़ता और ना ही उसकी कसम खाना। भूतनी इस बात से दुखी होकर हर बार भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। भूत बात बात पर मेरी कसम खाता है, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन भूतनी उदास बैठी थी, तभी जंगल से एक साधु गुजरा। उस साधु की नजर भूतनी पर पड़ी और उस भूतनी को देखकर वो साधु बोला, क्या हुआ भूतनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या आप मुझे देख सकते हो? हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी उदासी का कारण पूछ रहा हूँ। साधु बाबा, मैं भूत की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुझे प्यार बहुत करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो बात बात पर मेरी कसम खाता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस बात को लेकर हमारे बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। भूतनी की बात सुनकर साधु बाबा ने कुछ सोचा और थोड़ी देर बाद वो बोले, इस समस्या का समाधान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भूत की तरफ से थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। कठोर क्यों बनना पड़ेगा बाबा? आखिर आप करने क्या वाले हो? मैं तुम पर ऐसा जादू करूंगा कि भूत जब भी तुम्हारी कसम खाएगा तुम गायब हो जाओगी, और जब भूत को उसकी गलती का एहसास हो जाएगा तो तुम दोबारा से दिखने लगोगी। लेकिन बाबा, इससे पहले मैं उसे एक चेतावनी देना चाहती हूँ, और वो उसके बाद भी नहीं माना तो मैं गायब हो जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इसके बाद साधु ने भूतनी पर जादू किया। भूतनी के ऊपर एक तेज रोशनी पड़ी और साधु वहाँ से चला गया। अगले दिन भूत और भूतनी जंगल में घूम रहे थे कि अचानक भूत ने कहा, मुझे भूख लग रही है। अरे सुबह ही तो तुमने खाना खाया था, इतनी जल्दी तुम्हें भूख कैसे लगने लगी? तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता? तुम्हारी कसम, मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर भूतनी गुस्से से लाल हो गई और बोली, तुमने फिर से मेरी कसम खाई? देखो मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, अगर आज के बाद तुमने कभी भी मेरी कसम खाई तो मैं गायब हो जाऊंगी और तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी। फिर तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाना, समझे? ये क्या बोल रही हो, मैं कोई झूठी कसम नहीं खा रहा। जब भूत को लगा कि भूतनी बहुत गुस्सा हो गई है तो उसने भूतनी से माफी मांग ली और वो दोनों आगे चल दिए। ऐसे ही एक दो दिन बीत गए। एक दिन भूत और भूतनी पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या बात है,
आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो। दिन पर दिन तुम सुंदर होते जा रहे हो। ये तो तुम्हारे प्यार का जादू है। चलो जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरी सारी बातें झूठ क्यों लगती हैं? तुम्हारी कसम मैं सच बोल रहा हूँ। तुमने फिर से मेरी कसम खाई। मैंने तुम्हें आखिरी चेतावनी दी थी कि अगर तुम मेरी कसम खाओगे तो मैं गायब हो जाऊंगी और तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगी। इसीलिए मैं जा रही हूँ, अब तुम मुझे भूल जाओ। ये कहकर भूतनी गायब हो गई। भूत उसे इधर उधर देखता रह गया और फिर वो जोर जोर से बोलने लगा। अरे अरे भूतनी, तुम कहाँ चली गई? वापस आओ, कसम से अब मैं कसम नहीं खाऊंगा। इस तरह भूत ने काफी देर तक भूतनी को आवाज दी, लेकिन भूतनी वापस नहीं आई और ऐसे ही कई दिन बीत गए। भूत ने भूतनी को जंगल में हर जगह ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। वो भूतनी के बिना बहुत उदास रहने लगा और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। काश मैंने बार बार भूतनी की कसम खाई ही नहीं होती। उसने मुझे कितना मना किया, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। काश मैं उसकी बात मान लेता तो आज वो मेरे साथ होती। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक वहाँ वही साधु आ गया जिसने भूतनी को गायब होने की शक्ति दी थी। वो साधु भूत के पास गया और बोला, क्या हुआ भूत, तुम इतने उदास क्यों हो? बाबा, मेरी भूतनी मुझसे दुखी होकर गायब हो गई है और कई दिन हो गए, वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारी भूतनी को वापस ला सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बाबा आपकी? मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी भूतनी मुझे वापस मिल जाए। वो तुम्हारी वजह से गायब हो गई है। तुम उसकी बार बार कसम खाते हो जो भूतनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें कसम खानी बंद करनी होगी। बाबा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी कसम नहीं खाऊंगा। आप बस मेरी भूतनी को वापस ले आइए। भूत की बात सुनकर साधु ने अपने मन में कहा, भूतनी, तुम्हारे भूत को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम वापस आ सकती हो। साधु के ऐसा सोचने पर ही भूतनी दोबारा से दिखाई देने लगी और जब भूत ने उसे देखा तो वो रोते हुए बोला, तुम वापस आ गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे बार बार मना करने पर भी मैंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगा, ना झूठी और ना ही सच्ची। मैं तुम्हें तकलीफ तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। और अगर आगे से तुमने मेरी कसम खाई ना, तो मैं कभी भी तुम्हें वापस नहीं मिलूंगी। इसके बाद से भूत ने कभी भी भूतनी की कसम नहीं खाई और दोनों प्यार से और खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।